नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग? दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखेंगे डी ट्रिपल एस बी नर्सिंग ऑफिसर 2022 के लिए अरिथमेटिक एबिलिटी से एक और टॉपिक, और वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम यहां पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रख लें ड्रग कैलकुलेशन में भी इसी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही यूज होता है मैक्सिमा ऑफ द क्वेश्चंस में। अब रेशियो और प्रोपोर्शन की बात करें तो सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक देखिए, अगर कहीं आपको लिखा हुआ हो ए अपॉन बी, इसका सिंपली मीनिंग क्या है? ये ए इज टू बी के रेशियो में है। कोई भी नंबर है, गिवन नंबर है, देखिए वो अगर ए और बी के रेशियो में है दोनों नंबर, और तो इन्हें हम ए इज टू बी या ए अपॉन बी वाइस वर्सा कैसे भी लिख सकते हैं। ये सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए। ये तो हुआ दोस्तों रेशियो। प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? अगर मानिए दो नंबर हैं ए इज टू बी के रेशियो में, दूसरी नंबर हैं सी इज टू डी के रेशियो में, और दोनों की दोनों अगर बराबर हैं, ये रेशियो अगर दोनों बराबर हैं, तो हम इन्हें कहते हैं प्रोपोर्शन ऑफ रेशियो। प्रोपोर्शन, और ये कैसे? जैसे आप एक बार एक एग्जांपल लीजिए दोस्तों, छोटा सा, कोई दो नंबर्स का रेशियो है क्या? 2:5, 2:5, और एक रेशियो है दोस्तों 6:15, क्या दोनों बराबर हैं क्या? जी दोस्तों, 2:5 को तो और ज्यादा सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, क्योंकि किसी से डिवाइड नहीं हो रही एक के अलावा, ये हो रही है दोस्तों, दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रही है, तो 3 × 6 = 5, 3 = 15, 2:5, और ये दोनों रेशियो बराबर हैं, और इनको हम कैसे लिखते हैं? 2:5 इन प्रोपोर्शन ऑफ 6:15, इसे बोलते हैं दोस्तों हम प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का दोस्तों एक छोटा सा रूल है जो कि हम ड्रग कैलकुलेशन में भी यूज करते हैं, और वो क्या रेशियो है? ये जो अंदर वाली साइड की जो नंबर्स हैं, अंदर की साइड में देख पा रहे हैं आप, 5 और 6 दोनों अंदर में नंबर्स हैं, और 15 और 2 जो हैं वो बाहर की नंबर्स हैं। ये आपस में क्या होती हैं दोस्तों? मल्टीप्लाई होती हैं और इक्वल होती हैं किसके? बाहर वाली से। इनर वाली का मल्टीप्लाई बाहर वाली के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। देख भी लीजिए, इनर का मल्टीप्लाई दोस्तों 5 × 6 = 2 × 15 बराबर है क्या? इसका मल्टीप्लाई भी दोस्तों देखो 30 है, इसका मल्टीप्लाई भी दोस्तों देखिए 30 है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में हैं। दो तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया प्रोपोर्शन को। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है, डेली लाइफ में कोई यूज है क्या? जी है दोस्तों, और वो यूज क्या है? जैसे मान लीजिए आपने कोई एक्स अमाउंट है आपके पास में है, क्या ये एक्स अमाउंट ये आपको किस में बांटनी है? ये दो बंदों में बांटनी है, ए एंड बी में बांटनी है, ए एंड बी में बांटनी है। अब आपसे किसी ने बोल दिया कि भाई 50-50 कर दीजिए जी, इसका मतलब 1:2, जितना इसको दोगे उतना ही इसको दोगे, 1:1 के रेशियो में हो गया, या फिर कोई पर्टिकुलर रेशियो हो गया कि इन दोनों में 2:3 के रेशियो में बांट दीजिए, मतलब एक को 2 भाग दे दीजिए और बी को 3 भाग दे दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? सिंपल सा एक्स अमाउंट, मैं हम समझा रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चंस में जाएंगे और बेहतर से आपको समझ में आएगा। कोई एक्स अमाउंट है वो बांटनी है किसमें? ए और बी के बीच में। बराबर बराबर बांटनी है तो दोस्तों 500 रुपए बांटनी है तो आपको किसी रेशियो की जरूरत ही नहीं है, 250-250 रुपए बांट देंगे। और इस 250-250 रुपए का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कितना रेशियो हुआ? 2:50 = 2:50, राइट, और दोनों 250 से डिवाइड हो रही तो 1:1 के रेशियो हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपने आपको बोला गया कि ए ने कुछ ज्यादा काम कर रखा है, ए ने ज्यादा मेहनत कर रखी है, या बी ने ज्यादा मेहनत कर रखी है, तो इनको इस रेशियो में बांटिए। तो यहां पर अगर आपको रेशियो दे दिया 2:3, मतलब बी को ज्यादा दे रखा है, देखो ना ज्यादा किसको दे रखा है? बी को दे रखा है, एक को कम दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, इसी रेशियो में हम बांट देंगे। कैसे बांटेंगे दोस्तों? एक का हिस्सा कितना होगा, एक को कितना मिलेगा? एक का जो रेशियो है कितना है? एक का रेशियो है दोस्तों 2,
किसमें से कितने रेशियो है टोटल, 2+3 5, 5 भाग बना दिए दोस्तों इससे के उस अमाउंट के, उनमें से 2 भाग देने ए को और 3 भाग देने बी को, तो 2 भाग ए को किसमें से, 5 में से। टोटल अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट दोस्तों एक्स है, जो भी अमाउंट होगा वो इस रेशियो में ये ए की अमाउंट हो गई। तो बी को कितना मिलेगा दोस्तों, बी का रेशियो कितना है, 3 है, टोटल रेशियो कितने हैं, 3 2 5, 5 में से गुणा एक्स अमाउंट दोस्तों। ये है दोस्तों रेशियो में किसी को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका। इस पॉइंट, इस टॉपिक से दोस्तों D++B के एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, लॉक करके रख लीजिएगा। और हम आपको 2 से 3 सेशन में अलग अलग तरीके के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ये बेसिक सी चीजें थी दोस्तों जो कि आपको रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में क्वेश्चंस पर स्विच करने से पहले पता होनी चाहिए। अब छोटे से छोटे सिंपल से क्वेश्चन से लेकर के दोस्तों हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ में स्विच करेंगे और बहुत इजीली एक एक चीज को, जो छोटे से छोटा क्वेश्चन आता है उसको समझाते हुए हम चलते चले जाएंगे। अब दोस्तों आज के हमारे इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा जो कि एग्जाम्स में अक्सर आता है, पूरे चांसेस मान के चलिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन के एग्जाम में मिलने के, यानी इसी तरीके के। ये क्वेश्चन आप समझ गए, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया आप इजीली कर लोगे। क्या दे रखा है दोस्तों आपको, ए इज टू बी दे रखा है 5:9 में, बी इज टू सी दे रखा है, क्या दे रखा है, 6:11, 6:11। आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज ए इज टू बी इज टू सी, कैसे करोगे। ए का आपके पास में वैल्यू है दोस्तों 5 है, क्लियर है। बी की वैल्यू है दोस्तों 9 है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पर बी की वैल्यू क्या है, 6 है, और सी की वैल्यू 11 है। दोस्तों हमारे पास ए और बी, सी की वैल्यू तो है ऑलरेडी, लेकिन बी की वैल्यू दोनों जगह पर अलग अलग है। अब अगर आपसे कोई पूछे ए इज टू सी, सबसे पहला क्वेश्चन ही, तो क्या सबसे पहले क्वेश्चन में आप ए इज टू सी आप क्या लिख सकते हो, 5:11 लिख सकते हो क्या, जी नहीं लिख सकते दोस्तों। हमें पहले दोनों रेशियो को बैलेंस करना पड़ेगा कि ए इज टू बी इक्वल टू इतना है और बी इज टू सी इस रेशियो में है, तो एक्चुअल में ए बी सी क्या होगा और ए सी क्या होगा दोस्तों, आपको यह सबसे पहले पता होना चाहिए। अब दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन, 90 काफी केसेज में क्या पूछा जाता है, ए इज टू सी सबसे पहला और सबसे लास्ट पूछ लिया, कैसे निकालना है और कैसे निकला। आप बोलोगे सर कैसे निकाल दिया, तो सबसे पहले तरीका बताते हैं दोस्तों। ए इज टू बी को क्या लिखते हैं, आप ये मत सोचिएगा सर इतना क्वेश्चन टाइम में लग रहा है दोस्तों, 5 से 7 सेकंड का ही क्वेश्चन है, आपको समझाने की में देरी लग रही है। ए इज टू बी को हम ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं, बी इज टू सी को दोस्तों हम बी अपॉन सी भी लिख सकते हैं। आज दोस्तों एक बार इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई क्यों किया, कर लिया जी मन में ऐसे आ रहा था, तो क्या हुआ, बी बी से कट गया दोस्तों और ए अपॉन सी बच गया। इसका मतलब अगर ए इज टू बी के रेशियो को आप ए अपॉन बी और बी अपॉन सी के फॉर्म में लिखे तो ए इज टू बी सी का रेशियो आ जाएगा, समझ लो दोस्तों इस तरीके से। इसका मतलब हमेशा ऐसे केसेज में पहले वाले और लास्ट वाले रेशियो को निकालने के लिए क्या करेंगे, ए अपॉन बी क्या था 5:9 गुणा बी अपॉन सी 6:11 करके देख लीजिए दोस्तों आपका आंसर आ गया। दोनों नंबर, ये नंबर और ये नंबर किससे कट रही है दोस्तों, 3 से 2 3 मल्टीप्लाई कीजिए दो ऊपर और नीचे वाले नंबर्स को, 10/33। ए और सी का रेशियो दोस्तों क्या होगा, 10:33 के रेशियो में होंगी दोस्तों ये दोनों की दोनों नंबर्स, नोट कर लीजिएगा। आपको दोस्तों ये क्वेश्चन करने में किसी तरीके का कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। जब भी कभी एक दो दो रेशियो आपको दे रखे हो, पहले और लास्ट का पूछ ले ए अपॉन सी या ए टू सी, तो इसको आप ए अपॉन सी लिख सकते हो, इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी करके देखा दोस्तों, आपको पता है ये नंबर कट रहे हैं दोस्तों, इसलिए हमने क्या कर लिया, ए टू सी का मतलब ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी, ये दोस्तों आपको क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, 10/33 यानी कि ए टू सी का रेशियो। लेकिन सबसे बड़ा जंजाल दोस्तों, ए टू बी इक्वल टू सी कैसे करें,
एज टू बी टू सी का रेशियो कैसे निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कौन कर रहा है दोस्तों? बी दो बार आ रहा है, इसको आप बैलेंस कर दीजिए दोस्तों, बराबर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ए इज टू बी टू सी का रेशियो आ जाएगा। एक जगह पर 9 है, एक जगह पर 6 है। छोटे वाला कौन सा है दोस्तों? छोटे वाला कौन सा है? उसको तो बड़ी वाली नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, और ये छोटे वाला दोस्तों इसको इस वाली से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आया दोस्तों हमने क्या लिखा? बी को बी वाले से ही मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को इस नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाले को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप बोलोगे कि सर यही करना जरूरी था क्या? जी नहीं दोस्तों, हम आपको कहीं पर भी एलसीएम एचसीएफ के चक्कर में नहीं डालेंगे आपको। यहां पर और भी कोई नंबर हो सकती थी? जी हो सकती थी। कैसी नंबर हो सकती थी दोस्तों? ऐसे नंबर जो दोनों को बराबर करती। क्या? जैसे मान लीजिए आप अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो 18 हो जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करते तो भी 18 हो जाएगा दोस्तों। अगर ये समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना, सिंपली अगर ज्यादा लफड़े में नहीं पढ़ना। एज टू बी 5 9 और ये कितना था? 6 into 6 to 11। कुछ नहीं करना दोस्तों, ये 9 है, इसको इस वाले 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको दोस्तों इस वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। कैसे आएगा? 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा, इनटू इस टू 9 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो दोस्तों 9 6 54 आएगा, 9 6 54 इसको मल्टीप्लाई करोगे 9 से, 9 6 54 और 11 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 99 दोस्तों, 54 दोनों में कॉमन आ गया। ए बी सी 30 54 99। क्या वापस दोस्तों इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? जी सिंप्लीफाई कर सकते हैं दोस्तों, तीनों नंबर 3 से डिवाइड हो रही हैं। 10 18 54 33 99 दोस्तों, इसीलिए बोलता हूं बार बार, पहाड़े याद कर लीजिए, टेबल्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर टेबल्स पता होंगी तो आपको यहां पर इसको 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो दोस्तों क्या आता? 10 18। 3 से मल्टीप्लाई करते तो 18 33। आपको ये वाला सीन करना ही नहीं पड़ता, 10 18 33। ये पहला क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज कर करके बार बार रिपीट कर करके देखिएगा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन जो इस चैप्टर का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल से लेकर के DSSB का रिपीटेडली हजारों एग्जाम हो चुके हैं दोस्तों आज तक, और उन एग्जाम से पता नहीं ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। हल्के में मत लीजिएगा, तीनों का रेशियो और पहले और लास्ट का रेशियो बहुत इजी है दोस्तों। एक क्वेश्चन देखिए, डिवाइड ₹675 इंटू एक्स एंड वाई इन ए रेशियो ऑफ 5:4, यानी कि आपका ₹675 हैं, एक्स और वाई में डिवाइड करने हैं, दोनों में बांटने हैं, किस रेशियो में? 5:4 के रेशियो में कैसे बांटेंगे दोस्तों? दोस्तों एक्स को कितना पैसा मिलेगा, वाई को कितना पैसा मिलेगा? कुछ नहीं करना दोस्तों, फार्मूले याद नहीं रखने, जिस तरीके से मैं अभी बता रहा वो भी याद नहीं रखना आपको। एक्स की अमाउंट क्या होगी दोस्तों? आपको एक्स इज टू वाई पता है ना, लिखने की जरूरत नहीं है आपको चाहिए, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता देता हूं। एक्स इज टू वाई का आपको रेशियो यहां पर नजर आ रहा है दोस्तों, ये 5 सबसे पहले जो आ रहा है तो सबसे पहला नंबर भी उसी का है, सबसे जो बाद में आ रहा है वो सबसे बाद वाला नंबर भी उसी का है, यानी एक्स को 5 हिस्से देने हैं और वाई को टोटल के 4 हिस्से देने हैं, इस रेशियो में आपको ₹675 बांटने हैं। एक्स को कितना पैसा दोगे भाई? एक्स का हिस्सा कितना है? 5 का। कितने में से, कितने में से टोटल हिस्से कितने हैं दोस्तों? टोटल हिस्से 9, तो 9 में से दे दीजिए ना, और पैसे कितने हैं? ₹675। डिवाइड कीजिए दोस्तों, कितना आता है? 9 7 63, 9 5 45। 75 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 75 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों 300 आता है, तो 5 से करोगे तो 375 आएगा। ऐसी भी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ऐसे ही y का हिस्सा कितना है? y का हिस्सा दोस्तों 4, कितने में से? 9 में से, इनटू टोटल अमाउंट कितना है? 675, तो कितना आएगा दोस्तों? वही बार बार थोड़ा ना डिवाइड करोगे, 75 से, 75 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों 300 आएगा।
इस क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हैं कई तरीके से, एक्स और वाई को दोनों हिस्सा मिलाकर के कितना 375 और 300 मिलाकर के कितना होता है दोस्तों 675 होता है। करेक्ट है क्या? जी करेक्ट है। 375 और 300 का रेशियो भी देख लीजिए दोस्तों, इतना करना नहीं है लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, रेशियो भी देख लीजिए कितना आएगा दोस्तों। एक बार थोड़ा देखने से दोस्तों हमें लगता है कि दोनों नंबर्स 5 से डिवाइड हो रही हैं, तो कितना आएगा ये 75 और ये कितना आएगा दोस्तों 60। दोनों नंबर 15 से डिवाइड हो रही है दोस्तों, 15 की टेबल आपको आती है, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60 आपका आंसर, आपका आंसर एकदम करेक्ट है दोस्तों, 5:4 के ही रेशियो में था दोस्तों। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको और पूछ सकता है एग्जामिनर, वो क्या पूछ सकता है कि अक्ष को वाई से कितना ज्यादा मिलेगा या वाई को अक्ष से कितना कम मिलेगा दोस्तों। तो आपने क्या किया, अक्ष की अमाउंट निकाली अभी 375 रुपए, वाई की अमाउंट निकाली 300 रुपए, ऐसा निकाल करके फिर माइनस करोगे कि साहब अक्ष को 75 रुपए ज्यादा मिले। नहीं, ऐसा नहीं करना दोस्तों, आप 8वीं क्लास का एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप DSSSB नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम देने जा रहे हो जिसमें बहुत शॉर्ट में तुरंत का तुरंत आपका आंसर आना चाहिए। कैसे करोगे दोस्तों इस क्वेश्चन को, अंतर पूछ रहा है तो रेशियो का डिफरेंस देखो ना कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, 1 का डिफरेंस आ रहा है दोनों के रेशियो का, वही तो डिफरेंस है। और किसका ज्यादा है, वो ऑब्वियस सी बात है जिसका रेशियो ज्यादा है, मतलब ये 1 के रेशियो में एक्स को ज्यादा मिलेगा। कितना ज्यादा मिलेगा, 1 ज्यादा मिलेगा, कितने में से, टोटल में से 1/9, ठीक है ना, टोटल कितना है 9 है, टोटल रुपए कितने हैं दोस्तों 675, डिवाइड करोगे कितना या 75, देखिए दोस्तों आंसर कितना आ रहा है 75। सेकंड्स में आपका आंसर आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमें कैसे सोल्व करना है। बहुत दोस्तों आपसे ये पूछेगा, मैंने तो इतना ही पढ़ा कर रुक गए आपको, या जहां से भी आप पढ़ रहे थे उतना पढ़ कर रुक गए कि एक्स का अमाउंट निकाल लिया, वाई का अमाउंट निकाल लिया, अब क्या करें, दोनों को माइनस करते हैं दोस्तों। इतना नहीं घूमना, आपको केवल यही देखना है कि दोनों के रेशियो में डिफरेंस कितना है, वही तो उनके अमाउंट में डिफरेंस है, वही तो उनके हिस्से का डिफरेंस है दोस्तों, 1 का डिफरेंस है, कितने में से 9 में से, 5 × 4 = 9, और इनटू टोटल अमाउंट कितना है, आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 3 रेशियो दे रखे हैं आपको, 2:3, 4:7, 5:8, 3 अलग अलग रेशियो हैं। एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा कि इनमें से सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है, तो आप क्या सोचोगे कि सर ने अभी सिखाया था 2:3 को हम 2/3 लिख लेते हैं, 4:7 को 4/7 लिख लेते हैं, 5:8 को हम क्या लिख लेते हैं 5/8 लिख लेते हैं, डिवाइड कर करके निकाल लेते हैं दोस्तों। आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.666 ये आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 7×5 = 35, तो 0.5 ऐसे, तो और हमेशा यही आता चला जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 8×6 = 48, 0.6 दो आया, 8×2 = 16, इस तरीके से दोस्तों, और इस तरीके का आपका आंसर ये आता चला जाएगा दोस्तों। आप सोचोगे कि हम ऐसे निकाल लेते हैं ऐसे आपका आंसर आएगा, नहीं करना दोस्तों। डिवीजन में पहली बात पॉइंटों में गलती हो सकती है, दूसरी बात टाइम भी ज्यादा लग रहा है, एक्यूरेसी नहीं है दोस्तों। क्या करोगे, तो थोड़ी सी सिंप्लीफाइड नंबर सी कैसे करना आपको इस क्वेश्चन का दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को करेंगे एलसीएम निकाल करके, 2/3 लिखते हैं, दूसरे नंबर 4/7, तीसरे नंबर 5/8, नीचे वाले नंबर्स का दोस्तों एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे करेंगे, ना 2 से डिवाइड हो रही है, ना 3 से डिवाइड हो रही है, ना 5 से डिवाइड हो रही है, ना 7 से डिवाइड हो रही है, तीनों नंबर, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, 8 × 7 = 56, 56 × 3 कितना होता है दोस्तों 56 × 3 168 दोस्तों इनका एलसीएम आया। डिवाइड करते जाइए दोस्तों, 168 को 3 से डिवाइड करोगे तो वो इतने मल्टीप्लाई वाला ही आएगा, ये देख लीजिए दोस्तों 56, तो 56 × 2 कितना आएगा, 56 × 2 कितना आएगा 112। 7 को दोस्तों डिवाइड करोगे, इसको 7 से इसको डिवाइड करोगे तो दोस्तों कितना आएगा 21, 21 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 84, और 8 से इसको डिवाइड करोगे तो दोस्तों कितना आएगा 21, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों कितना आएगा 105। ऊपर वाले नंबर्स में देख लीजिए दोस्तों कौन सी नंबर सबसे बड़ी है, 112, इसका मतलब 2/3 सबसे बड़ा है। सेकंड नंबर पर दोस्तों कौन है, 5/8 है। तीसरे नंबर पर सबसे छोटी नंबर कौन सी दोस्तों, 84, तो मतलब 4/7 सबसे छोटा नंबर है, आपको वहां पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है दोस्तों। एग्जाम्स में टिपिकल क्वेश्चन आएगा, इसलिए आपको सबसे छोटी सबसे बड़ी नंबर इसी मेथड से आपको निकालनी है एलसीएम निकाल करके।
दोस्तों एग्जाम्स का बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वॉटर इन ए मिक्सचर ऑफ 42 लीटर। 42 लीटर का मिक्सचर है जिसमें वॉटर और मिल्क और वॉटर का रेशियो क्या है, 5:2 है, यानी 5 भाग दूध है, 2 भाग उसके अंदर पानी है। क्या किया दोस्तों सेलर ने, 3 लीटर मोर वॉटर इज एडेड, 3 लीटर पानी और डाल दिया दोस्तों, और उड़ेल दिया उसके अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है मिल्क और वाटर का रेशियो बदल जाएगा। पहले जो रेशियो 5:2 में था, 3 लीटर पानी और ऐड कर दिया तो दोस्तों क्या हो गया, रेशियो बदल जाएगा। नया रेशियो क्या है, तो पहले कितना दूध था कितना पानी था, दूध का दूध पानी का पानी करना पड़ेगा तब दोस्तों आपको एक क्वेश्चन आएगा। पहले दूध कितना था दोस्तों, देखिए हम थोड़ा सा धीरे धीरे बता रहे हैं आपको समझाने के लिए। पहले दूध कितना था, 5 था दोस्तों। पहले देख लीजिएगा, पहले लिखा है मिल्क, तो पहले दूध कितना था दोस्तों, 5। कितने में से, 7 में से, 5+2 7 में से। टोटल सॉल्यूशन कितना है दोस्तों, मिक्सर कितना है, 42, 6, 7, 42 कितना आ गया दोस्तों, 30 लीटर दूध था। और वॉटर कितना था दोस्तों, वैसे ही पता लग गया आपको बचा हुआ कितना, 12 लीटर दूध था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, रेशियो से निकालिए, 2/7 वॉटर का रेशियो क्या है, 2। कितने में से, 7 में से, इंटू 42, 6, 7, 42 12 लीटर दूध पानी था दोस्तों। दूध का दूध पानी का पानी हो गया दोस्तों। मिल्क था 30 लीटर, दूध था, मिल्क था 30 लीटर, पानी था 12 लीटर। अब क्या किया, अब तब रेशियो क्या था दोस्तों, 5:2 था। क्या कर दिया, 3 लीटर दूध और मिला दी, क्या कर दिया, अब 3 लीटर पानी मिला दिया, दूध मिलाया क्या, जी नहीं। दूध तो अभी भी कितना है, दूध तो दोस्तों अभी भी 30 लीटर है। मिल्क और वॉटर का नया रेशियो देखना है, मिल्क कितना है, 30 लीटर ही है। दूध कितना हो गया दोस्तों, 12 में 3 मिला दिया, कितना हो गया दोस्तों, 15 हो गया। रेशियो क्या आ गया, 30:15। सिंपल हो रहा है क्या, जी हो रहा है दोस्तों। सिंपलीफाई कैसे, दोनों 15 से डिवाइड हो रहा है, 15 × 30 15 × 15 2:1 के रेशियो में दोस्तों अब हो गया दूध का दूध, दूध और पानी। अब दोस्तों दूध और पानी हो गया 2:1 के रेशियो में। जितना पानी है उसका डबल क्या है, अब दूध है, या जितना दूध है उसका उतना आधा क्या है दोस्तों, पानी है। टोटल कितना था, 45 हो गया। अब उसमें से 30 लीटर दूध है, 15 लीटर क्या है दोस्तों, पानी है। रिपीट करते हैं, मिल्क और वॉटर का रेशियो दे रखा है दोस्तों आपको, क्या करोगे, सिंपली लिखना है मिल्क एंड वॉटर कितना, 5:2। टोटल दोस्तों कितना हो रहा है, 7 पार्ट हो रहा है, इसे कर लेना आप। मिल्क कितना आ गया दोस्तों, 5/7 गुणा कितना है टोटल, 42, 6 × 42 30। वॉटर कितना है दोस्तों, 2/7 इंटू 42 कितना आ गया दोस्तों, 12 लीटर। 12 लीटर दोस्तों वॉटर है, 30 लीटर दोस्तों मिल्क है, इसमें क्या मिला दिया, +3 क्या कर दिया, पानी और मिला दिया। नया रेशियो क्या हो गया दोस्तों, 30:15 का, यानी 2:1 के रेशियो में हो गया दोस्तों अब दूध और पानी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम्स का, हल्के में मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमने बार बार बोला है D SSSB में Part 1 की टेंशन छोड़ दीजिए, नर्सिंग स्मार्ट पे डाल दीजिए दोस्तों Part 1 की टेंशन। हम कराएंगे दोस्तों आपको Part 1 की 100% प्रिपेरेशन, जिसमें से हमने 70 से 80 क्वेश्चन के लिए आपको कंफर्म बोल दिया है, इतने क्वेश्चन हम आपको लगभग करा देंगे, कहीं कोई नहीं बताएगा आपको। एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, पिछले से मिलता जुलता लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्या बोल रहा है, दूध और पानी का मिक्सचर है कितना, 20 लीटर का, और दूध और पानी कैसे मिले हुए हैं उसके अंदर, 3:1 के रेशियो में मिले हुए हैं, यानी 3 भाग दूध है, 1 भाग उसके अंदर पानी है। टोटल सॉल्यूशन कितना है, टोटल मिक्सचर कितना है दोस्तों, 20 लीटर का है। अब आपसे बोल रहा है हाउ मच मिल्क बी एडेड, कितना और दूध मिला दे कि अब दूध और पानी का रेशियो जो 4:1 का हो जाए। अब दूध उसके अंदर और कितना मिलाए कि नया रेशियो जो है 4:1 का आ जाए। घबराना नहीं है दोस्तों, सबसे पहले पता कर लीजिए मिल्क और वॉटर कितना था आपके पास में, 3:1 के रेशियो में है। तो मिल्क कितना है दोस्तों आपके पास, 3/4 3:1 है, तो दोस्तों टोटल रेशियो कितना हो गया, 4 हो गया ना, तो 3/4 इंटू कितना, 20 टोटल है, तो 5, यानी 15 लीटर दूध है आपके पास में, बचा हुआ कितना, 5 लीटर पानी है। लेकिन फिर भी देखेंगे 1/4 × 20 कितना दोस्तों, 5 लीटर पानी है।
ये तो आ गया दोस्तों आपके पास में जो देके रखा हुआ था इस चीज का कि 20 लीटर जो दिया हुआ उसके अंदर 15 लीटर दूध है और 5 लीटर जो है वो क्या है पानी है। अब आपसे बोल रहा है कि यार उसके अंदर दूध मिलाई है अभी और पानी नहीं, दूध मिलाना है कितना नहीं पता, क्या हो जाएगा उससे रेशियो बदल जाएगा 4:1 का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। दूध मिलाना है इस 15 लीटर के अंदर, दूध मिलाना है कितना 15+X लीटर दूध मिलाना है दोस्तों, नहीं पता वैल्यू पता कर लेंगे 15+X और ये 5 लीटर क्या इसको बदलना है क्या, जी नहीं पानी तो मिलाने के लिए कहीं बोला ही नहीं है दोस्तों। तो ये 15 में दूध में एक्स लीटर पानी मिलाएंगे तो नया रेशियो जो है वो क्या आ जाएगा दोस्तों 4:1। अगर हम लिखते हैं दोस्तों इसको प्रोपोर्शन में, मिल्क और वॉटर का प्रोपोर्शन अगर हम लिखें तो क्या लिखना है दोस्तों, मिल्क कितना हो गया 15+X हो गया, रेशियो वॉटर कितना है दोस्तों 5 है, इज इक्वल टू क्या करना है दोस्तों 4:1 का रेशियो, 4:1 का रेशियो दोस्तों, 4:1 का रेशियो। इसको आप कैसे लिखोगे दोस्तों, क्लियर करेंगे अंदर से अंदर वाले, बाहर से बाहर वाले मल्टीप्लाई करेंगे, अपोन में भी कर सकते थे आप इसको, एक्स वाले को पहले रख लेते तो बाहर वाले को कर देते हैं दोस्तों, 15+X को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा, अंदर वालों को मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ गया, एक्स की वैल्यू दोस्तों 20-15 इज इक्वल टू 5 लीटर आ गई दोस्तों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कहीं नहीं जाना था दोस्तों हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए, इतना इजीली क्वेश्चन इतना इजीली सोल्व करने के लिए, यानी 5 लीटर आप पानी और मिला दूध और मिला दीजिए दोस्तों तो कितना हो जाएगा 4:1 का रेशियो हो जाएगा। कैसे हुआ, पहले 15 था 5 और मिला दिया इसके अंदर तो 20 हो जाएगा, पानी उतना ही था दोस्तों कितना पानी उतना ही है दोस्तों कितना 5, दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं दोस्तों, 4:1 का रेशियो हो गया ना, आंसर आ गया दोस्तों आपका। आप बोलोगे सर इतना था कर रहे हो आप, दोस्तों खुद करके देखिएगा इस क्वेश्चन को, हार्डली 15-20 सेकंड इस क्वेश्चन में लगने हैं आपको, नहीं है दोस्तों टिपिकल क्वेश्चन ये दोस्तों। इस क्वेश्चन के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक भी हो सकती है क्या, जी हो सकती है, देखिए आप यहां पर मिल्क का रेशियो 3:4 बनाना है, कितना बढ़ाना है 1 के रेशियो से बढ़ाना है दोस्तों, लेकिन आपको एक चीज देखनी पड़ेगी दोनों के रेशियो में भी टोटल में भी 1 का डिफरेंस होना चाहिए, जी 1 ही हो रहा है क्या, 3 और 1 4 हो रहा है, यहां पर 4 और 5 तो 1 का डिफरेंस है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन में क्या लिखेंगे, जो आपके पास में ऑलरेडी सॉल्यूशन दे रखा है उसी वाला रेशियो, तो कितना दोस्तों 4, टोटल सॉल्यूशन कितना 20 दोस्तों, क्या लगा दीजिए 5 लीटर बढ़ा दीजिए, और क्या बढ़ाना था आपको, दूध बढ़ाना था दोस्तों, आपका आंसर आ गया है यहां पर। लेकिन इस शॉर्ट ट्रिक पे दोस्तों ज्यादा मत जाइएगा, क्यों, क्योंकि अगर रेशियो के साथ में दिक्कत हो गई तो आप एग्जाम में उलझ जाएंगे। हमने दोस्तों जो आपको चीज बताई है वो भी कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत इजी है, इस पर शॉर्ट ट्रिक से लेकर शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड दोस्तों हम इस पर और भी सेशंस रख देंगे, लेकिन आपके लिए जो हमने बताया है वो भी बहुत इजी ट्रिक है दोस्तों। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है, 15% ऑफ m इज इक्वल टू 20% ऑफ n, तो m इज टू n का मतलब क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, 15% ऑफ m क्या होगा दोस्तों, m का 15% किसके बराबर है, इज इक्वल टू 20% ऑफ n, n का 20% दोस्तों, नीचे 100 दोनों डिवाइड हो गए दोस्तों, अब क्या होगा, m is to n देखना है दोस्तों, m तो इधर ही, m अपॉन n इधर आ जाएगा तो अपॉन n, ये m is to n के बराबर ही तो है, इज इक्वल टू 20 उधर है, 15 इधर से आ गया दोस्तों, दोनों नंबर्स किससे डिवाइड हो रही है, 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 और 20, 5 3 15, m is to n का रेशियो कितना आ गया दोस्तों, 4:3 आ गया, ठीक है दोस्तों आंसर आ गया है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार दोस्तों आपको चेता रहे हैं, D++ भी आपको ज्यादा समय नहीं देने वाली, पार्ट वन जिसने अच्छे से कर लिया सिलेक्शन में, सिलेक्शन की दौड़ में अपने आप को उतना ही आगे समझ लीजिएगा, इसलिए बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हर टॉपिक को दोस्तों अच्छे से कवर कीजिए, अच्छे से क्लियर कीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे कल नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, इसी की कंटिन्यूटी और नर्सिंग से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स के साथ में, थैंक यू।